हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है। मैं बात करने वाला BMW IS इलेक्ट्रिक SUV के बारे में, जो कि ऑफिशियली जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च हो गई है। एंड मैं बात करने वाला का फ्रेंड जो BMW की IX इलेक्ट्रिक SUV है फ्रेंड्स, के अंदर में किस तरह के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, ड्राइव रेंज, इनके प्राइसिंग के साथ जो है वो इंडिया में देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं इसके इंडिया राइवल के बारे में बात करूँ, तो फिर इंडिया के अंदर हमें मर्सिडीज बेंज EQC एंड जो ऑडी की ई-ट्रॉन है उसी के राइवल होने वाली है। एंड फ्रेंड BMW ब्रांड की फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक मॉडल है, जो कि हमें BMW IX देखने को मिलेगी। फिर इंडिया के अंदर हमें सिंगल X-Drive 40 वेरियंट में ही जो है हमें देखने को मिलेगी, जिसका प्राइसिंग जो है वो 1.15 करोड़ रुपीज़ एक्सोरूम प्राइसिंग के साथ जो है हमें देखने को मिलने वाली है। एंड अगर मैं इसका एक्सटीरियर के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड जो BMW IX है फ्रेंड, इसके अंदर हमें क्वाइट स्ट्रिकिंग एंड लार्ज किडनी ग्रिल के साथ हमें स्लिम हेडलैम्प्स एंड इसके अंदर में फ्रेमलेस विंडो एंड स्लिम वन पीस टेलर सेटअप भी जो है हमें देखने को मिलेगा। इंटीरियर फीचर्स के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें सिंगल पीस BMW कर्व ग्लास डिस्प्ले, हेक्सागोनल स्टीयरिंग व्हील के साथ में पैनारोमिक सनरूफ एंड इसके अंदर में लेदर सीट्स के साथ में मैसेज फंक्शन, एम्बिएंट लाइटिंग, हेड अप डिस्प्ले, 14.9 इंच का हमें टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, जिसके अंदर में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, 18 स्पीकर हार्मन कार्बन साउंड सिस्टम एंड अदर फीचर्स भी जो है हमें देखने को मिलने वाले हैं। एंड इसके अंदर में फ्रेंड 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स देखने को मिलती है, जो कि हमें 322 BHP के पावर के साथ एंड 630 Nm टॉर्क के साथ जो पावर ट्रेन है हमें देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड जो कार जस्ट 6.1 सेकंड के अंदर 0 से 100 के एक्सेलरेशन रेट के साथ जो है हमें देखने को मिलेगी। बैटरी सेटअप के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड इसके अंदर में 76.6 किलोवाट की बैटरी पैक देखने को मिलेगी, जो कि हमें 425 किलोमीटर की ड्राइव रेंज के साथ जो है हमें देखने को मिलने वाली है। एंड अगर मैं इसके चार्जिंग टाइमिंग के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड जो 150 किलोवाट का जो DC चार्जर है उसके अंदर जो कार है वो 31 मिनट्स के अंदर, 50 किलोवाट का जो DC चार्जर है उसके अंदर में 73 मिनट्स का टाइम एंड जो 11 किलोवाट का जो AC चार्जर है उसके अंदर में 7 आवर जितना जो टाइम है वो चार्जिंग टाइमिंग देखने को मिलेगा। मतलब फास्ट चार्जिंग के अंदर जो है वो जो 31 मिनट्स के अंदर ही जो कार वो फुली चार्ज हो जाएगी। एंड आज के लिए इतना ही फ्रेंड, और भी अगर इसके बारे में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं आप लिख नया वीडियो लेके आऊँगा। एंड फ्रेंड इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने हैं, तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर ऑटोमोटिव वीडियोज़ की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।